तो आज हम देखने वाले हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है। इसके अंदर जो की पॉइंट्स है वो देखने, एक तो है फॉरेन करेंसी, यानी कि कोई डोमेस्टिक कंपनी है वो बॉन्ड इशू करेगी फॉरेन करेंसी पे, दैट बॉन्ड विल बी डिनोमिनेटेड ऑन दी फॉरेन करेंसी। दूसरा कन्वर्टिबल बॉन्ड है, यानी कि इस बॉन्ड को इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कौन, इन्वेस्टर्स। इसके अंदर अगर बॉन्ड है तो दो वैल्यू होती है एक बॉन्ड्स के अंदर, एक तो कूपन वैल्यू और एक फेस वैल्यू। कूपन वैल्यू होती है दैट अप टू द मैच्योरिटी पीरियडिकली जो पेमेंट करेगा एनुअली और मंथली कोई कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, उसे हम बोलते हैं कूपन वैल्यू, यानी कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट वैल्यूज़। और एक होता है फेस वैल्यू, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मैच्योरिटी के ऊपर जो पेमेंट रिटर्न करती है कंपनी उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। फिर इसके अंदर एक कन्वर्जन रेट का इशू होता है, यानी कि आप जो है अपना डेट को, यानी कि अपने बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, एक उसकी थ्रेशोल्ड है, वो ये है कि जब कन्वर्जन रेट है वो शुरुआत में ही फिक्स हो जाती है, अगर रेट उससे ज़्यादा होती है या उससे कम होती है तो फिर आप अपने बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसके अंदर बहुत कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन होते हैं। कॉल ऑप्शन जहाँ पे रिडेम्पशन जो है वो आपका इशूइंग अथॉरिटी कर सकती है कभी भी। दूसरा पुट ऑप्शन में रिडेम्पशन की जो पावर होती है वो आपके इन्वेस्टर्स को होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन बॉन्ड्स का फ़ायदा क्या होता है, कौन इन्हें इन्वेस्ट करता है, कहाँ करता है। बेसिकली ये MNCs जो है बड़ी बड़ी, ये जो ग्लोबली ऑपरेट करती है फॉरेन करेंसीज में, भी उनका काफ़ी बिजनेस होता है, वो इनको इशू करती है। अब इनमें इन्वेस्ट करने वाले लोग कैसे होते हैं, ये बेसिकली हेज फंड इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर कोई बड़े बिग इन्वेस्टर्स होते हैं जो बड़ा खेल खेलते हैं, वो लोग FCCB में पैसा लगाते हैं। और इन बॉन्ड को कोई भी कंपनी इशू करना चाहेगी तो वो जगह होगी जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है डोमेस्टिक लेवल से बहुत कम हो, यानी कि उसकी डोमेस्टिक प्रेजेंस है वहाँ से इंटरेस्ट रेट कम हो, तो ऐसी जगह पे वो कंपनी जो है वो FCCB इशू करेगी। फिर इसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है करेंसी फ्लक्चुएशंस की। सपोज़ आपको एक तो रीपेमेंट भी फॉरेन करेंसी में करना है, और सडनली जो है आपका जब मैच्योरिटी आता है तो आपकी करेंसी बहुत वीक हो जाती है ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। अब करेंसी वीक हो जाएगी तो आपको जैसे डॉलर में रिटर्न करना है तो डॉलर आपको ख़रीदने पड़ेंगे ज़्यादा पैसे देके, और फिर जो है इनको रिटर्न करना पड़ेगा, तो आपके लिए ये घाटे का सौदा भी हो सकता है। एट द सेम टाइम देर कैन बी प्रॉफिट ऑल्सो। इसका एक एग्जाम्पल है एल्पाइन कन्वर्टिबल बॉन्ड। एल्पाइन कन्वर्टिबल बॉन्ड ये इंडियन इंडियन कंपनीज जो है वो स्विस इन्वेस्टर्स को इशू करती है।